माँ बाप को इंग्लिश में स्केल भी कहते हैं। इसको हनुमान ठीक है बगैर लेट कर सकता है तो मेरी पूरी बेड में जाओगे यार। आज हम पढ़ेंगे मापक स्केल या उसको हनुमान भी कहते हैं। देखो दोस्तों, ये ज्योग्राफी में हमने कहा कि मानचित्र, जो मानचित्र कला है, वो किसी भूगोल वेदा की छड़ी होती है, और मानचित्र बिना स्केल के हम नहीं बना सकते, क्योंकि अगर स्केल से बनाएंगे वही मानचित्र होगा। बिना स्केल के अगर हम कोई चित्र बना रहे हैं तो रेखा चित्र होता है। तो पहली बात आपके माइंड में ही डिनोट कर लो आप कि रेखा चित्र और मानचित्र में क्या अंतर होता है। बिना स्केल के अगर जो भी हम चित्र बनाते हैं, बिना मापने के जो भी चित्र बनाएंगे वो कहलाएगा रेखा चित्र, और अगर वही चित्र हम मापनी से बनाए या निश्चित अनुपात में बनाए वो क्या कहलाएगा मानचित्र। अब बात आती है कि हमें ज्योग्राफी में मापक क्या होता है। ज्योग्राफी में हम कहते हैं कि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी, समझ आ रहा आपके? Yes, मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी और उन्हीं स्थानों की धरातल पर वास्तविक दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं अपन? जैसे मान लिया आपने ये मैं बना रहे इधर, और इस मानचित्र में हम जो भारत का मैं बना रहे हैं, इसमें हमें पता नहीं ये स्केल के अकॉर्डिंग नहीं है, ये वैसे क्या है इसको स्केल के अकॉर्डिंग नहीं है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? रेखा चित्र कहेंगे, मानचित्र नहीं। लेकिन दिख रहा है भारत जैसे, एक बार मान लेते हैं कि मानचित्र है और इसमें ये इधर से थोड़ा सा बाहर गया है, लेकिन अपना भारत सुंदर है, ठीक है, बाहर गया कोई दिक्कत नहीं है, हो जाती है गलतियां। अब इसे मान लें कि यहां पर अपना जयपुर है और यहां पर जो दिल्ली है, जयपुर और दिल्ली, ये मानचित्र पर दो स्थान है, इनके बीच यहां पर दूरी मान लो आ रही है 5 सेंटीमीटर। कितनी है? मानचित्र पर तो 5 सेंटीमीटर इनकी डिस्टेंस है, लेकिन धरातल पर इनके वास्तविक दूरी अगर देखी जाए, हम मानते हैं कि यहां पर मान लो ये 250 किलोमीटर है। कितनी है? 250 किलोमीटर। तो अनुपात हो गया कि मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर और धरातल पर वही कितना है? 250 किलोमीटर। अर्थात इसमें हम कह सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर बराबर 250 किलोमीटर। ये इसका क्या हो गया? एक अनुपात हो गया। हम ये भी कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 50 किलोमीटर। ये स्केल नहीं हुआ। स्केल में क्या होता है कि दोनों यूनिट होती है आपकी सेम होती है। अब ये सेंटीमीटर है, इसको भी हम क्या करते हैं? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 50, मतलब इसमें ये पता है कि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होता है, इसलिए 50 को किससे करेंगे? 1 लाख से इंटू करेंगे, अर्थात क्या हो गया? 50 लाख सेंटीमीटर। तो इस मानचित्र में हम इसकी लिख सकते हैं आ रहे हैं 1:50,00,000। ये क्या हो गया इसकी? इसके लोग ही मापनी, मतलब इसने मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर धरातल पर 50 लाख सेंटीमीटर को व्यक्त कर रही है। ये इसका क्या हो गया? स्केल। अब इसमें स्केल कितने प्रकार के होते हैं और स्केल को व्यक्त करने की विधियां कितनी होती है, ये इस पे हम चर्चा करेंगे। भी हमें पता है स्केल को जो व्यक्त करने की विधियां हैं वो कितनी प्रकार की थी? तीन प्रकार की हमने पढ़ी है। पहली थी कथनात्मक विधि, स्टेटमेंट मेथड, दूसरा था हमारा कौन सा? प्रदर्शक भिन्न या निरूपक भिन्न वाली। तो हम कहेंगे इसकी विधियां कितनी है जिससे हम एक मापनी को व्यक्त कर सकते हैं। मापनी को व्यक्त करने की जो विधियां है वो विधियां तीन है, या तो हम उसको कथनात्मक विधि स्टेटमेंट के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, या हम उसको अनुपात में, इसमें अनुपात में व्यक्त कर सकते हैं। अनुपाती विधि हो सकती है जिसको हम कहते हैं प्रदर्शक भिन्न भी कह सकते हैं, उसको निरूपक भिन्न भी कह सकते हैं, निरूपक भिन्न रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन RF, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन RF में भी कर सकते हैं। और तीसरी विधि है हमारे पास रेखात्मक विधि। कौन सी विधि है? रेखात्मक विधि। इस विधि में हम क्या करते हैं, इसको एक आलेख के एक हम क्या बनाते हैं, इसमें आलेख बनाते हैं या ग्राफ, ठीक है, डायग्राम बनाते हैं, उसके द्वारा व्यक्त करते हैं, इसको आलेख विधि भी कहते हैं। ये ग्राफिकल मेथड है, ये ग्राफिकल मेथड है। इन तीन मेथड के द्वारा हम क्या करते हैं? मापनी को व्यक्त करते हैं। जैसे कथनात्मक विधि हम कहेंगे कि 1 सेंटीमीटर
50,000 सेंटीमीटर को व्यक्त कर रही है। एक बोल के बताना पड़ता है, एक कथन के द्वारा हम इसको क्या कर रहे हैं, व्यक्त। जबकि इसी को हम क्या करते हैं, भिन्न के रूप में। हम इसमें एक तो अंश होगा और एक निरपेक्ष भिन्न में या आरएफ में जो अंश होता है वो हमेशा डिनोट करता है मानचित्र की दूरी को। किसकी दूरी को करता है, मानचित्र की दूरी को। जबकि हर जो है वो डिनोट करता है धरातल की दूरी को। और धरातल और मानचित्र की दूरी को अनुपात में व्यक्त करते या भिन्न के रूप में व्यक्त करते वही कौन सी होती है, निरपेक्ष भिन्न। इसको हम अंतरराष्ट्रीय मापनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अंतरराष्ट्रीय मापनी भी कहते हैं। और इसका एक दूसरा नाम है वो है प्राकृतिक, प्राकृतिक मापनी के नाम से भी इसी को जाना जाता है। और अधिकतर जो यूज की जाती है इनमें हम आरएफ को यूज करते हैं। और इस आरएफ के द्वारा हमारे जो क्वेश्चन आते हैं वो आरएफ के द्वारा क्या होते हैं, इसको हम ग्राफ के द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं, एक डायग्राम बना के व्यक्त करते हैं, वो ग्राफिकल मेथड होता है। अब आप ये यहां से तैयारी कीजिए, नेट और सेट में जो पेपर आते हैं, लेक्चर सीरीज में पेपर आएंगे, वो पेपर आते हैं कि किसी भी क्षेत्र का अगर कोई क्षेत्र है हमारा वो आरएफ इस पे बना हुआ है 1:250 पर बना हुआ है, मान लेते हैं अपन इस पे बना हुआ है। और अगर इसकी मापनी को, इसकी मापनी को क्या कर दे, जो आरएफ है इसको दुगना कर दे, मतलब अभी किस पे बना हुआ है ये 1 सेंटीमीटर, अभी कितने को बता रही है 250 सेंटीमीटर को बता रही है, अर्थात 2.5 मीटर को बता रही है। अगर हम इसकी मापनी दुगनी कर दे, दुगनी मतलब इसकी मापनी कितनी जाएगी फिर 500, 250 से दुगनी करेंगे कितनी हो जाएगी 500। अगर वही मानचित्र हम आरएफ 1:500 पर बनाए तो उस मानचित्र का आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मानचित्र जिस अनुपात में मापनी बढ़ती है मानचित्र उसी अनुपात में घट जाता है, छोटा होगा। अगर मापनी बढ़ा रहे हैं तो मानचित्र क्या हो जाएगा, तो मानचित्र पहले की तुलना में आधा रह जाएगा। अगर इसकी मापनी यह है और इसकी मापनी को हम आधी कर दें, मतलब 1:125 कर दें, आधी कर दिए, तो मानचित्र के आकार में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मानचित्र उसी अनुपात में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अर्थात मानचित्र दुगना हो जाएगा। ये होती है एक बात ध्यान रख लो कि आप मानचित्र मापनी होती है उसको हम दो भागों में बांटते हैं, मापनी होती है उसको दो भागों में, छोटी मापनी और बड़ी मापनी, एक होता है छोटा स्केल और बड़ा स्केल, जिसमें जैसे मान लो 1:50,000, एक है 1:1,00,000, ये दो आरएफ है 1:50,000 का आरएफ है 1:1,00,000 का, इनमें से कौन सी मापनी छोटी है या कौन सी मापनी बड़ी है, जिसमें रीडिंग ज्यादा होती है, जितनी रीडिंग होगी वो छोटी मापनी होगी, रीडिंग ज्यादा आ रही है इसका मतलब वो कौन सी मापनी है, छोटी, और रीडिंग अगर कम आ रही है इसका मतलब वो क्या है, बड़ी मापनी। तो यहां पर ये मापनी है, ये कौन सी मापनी है, छोटी, अर्थात स्मॉल स्केल है, और यहां पर ये है, ये क्या है, बड़ी, अर्थात यहां पर ये क्या है, लार्ज स्केल है, ये यहां पर क्या है, लार्ज स्केल। यहां तक समझ में आया, अब हम बनाते हैं इसमें कि जो मापक है वो कितने प्रकार के होते हैं। हमें पहले चर्चा की लास्ट क्लास में कि मापक चार प्रकार के होते हैं, सरल, तुलनात्मक, विकीर्ण और विशिष्ट। सरल मापनी में बात कर ली, तुलनात्मक मापनी की बात की, तुलनात्मक मापनी कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की, विभिन्न मानों वाली मापनी या समय ढाल मापनी या परिमाप मापनी, इनकी अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे सरल स्केल पे, सिंपल स्केल है वो कैसे बनता है, आपने पहले पढ़ा भी है पिछली क्लास में सरल मापनी, कुछ भी है, बहुत इजी है, लेकिन फिर भी ये आपको समझ में आना चाहिए। इसमें क्वेश्चन 3-4 प्रकार के बनेंगे और ये आपको आना भी चाहिए। देखिए आपके सामने एक आरएफ दिया होगा, क्या दिया है, आरएफ, और उस आरएफ से आपको क्या जाएगा, एक सरल मापनी बनाइए। देखिए आप क्वेश्चन करते हैं, पर एक आरएफ आपके पास है 1:1,00,000, अभी हम पहला है इसलिए हम एक इजी सा लेते हैं, आरएफ 1:1,00,000, इसमें आपको एक सरल मापने की रचना करनी है, सिंपल स्केल बनाना है, जिसमें हम किलोमीटर और हेक्टोमीटर में दूरियां पढ़ सके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसा कि किस में दिया हुआ है हमें पता है किलोमीटर हेक्टोमीटर लेनी है, छोटी इकाई हमारे पास कौन सी है, सबसे छोटी इकाई
इसमें सेंटीमीटर वाले का ये, तो हम यहाँ कहेंगे कि एक सेंटीमीटर वेट कर रहा है मानचित्र पर प्रदर्शित करता है 1,00,000 सेंटीमीटर जो है वो लेना भी दो, एक सेंटीमीटर प्रदर्शित करता है 1,00,000, ये मानचित्र की दूरी है, ये धरातल की। हम इसको ये भी कह सकते हैं आधार, इसको हमें पता है कि 1 किलोमीटर बराबर 1,00,000 सेंटीमीटर होता है, इसको हम किसे बदल दें किलोमीटर में, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं 1,00,000 का भाग लगा देंगे तो मतलब क्या हो गया 1 किलोमीटर। हम इसको दो भाग कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर प्रदर्शित करता है 1,00,000 सेंटीमीटर, या यू भी कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर प्रदर्शित करता है 1 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि हमें पता है 1 किलोमीटर में क्या होता है 1,00,000 सेंटीमीटर होता है, इस सेंटीमीटर को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया किलोमीटर। अब आप जो लंबाई है रेखा की लंबाई वो आपके पास पता है कि हम इसमें 12 से लेकर 20 सेंटीमीटर की लंबाई की कोई लाइन मान सकते हैं, एक स्टैंडर्ड पैमाना दिया है इसमें, आप चाहो तो 10 भी मान लो 8 भी मान लो, लेकिन अगर स्केल अच्छी बनानी है तो 12 से 20 सेंटीमीटर की रेंज में स्केल बनानी होती है। हम कहेंगे यहां पर कि 15 सेंटीमीटर स्केल लेते हैं क्योंकि जो हमारा एक छोटा स्केल होता है उसमें 15 सेंटीमीटर होती है और 6 इंच होती है, तो यहां पर हम क्या ले लेते हैं इसमें 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर प्रदर्शित करेगा 1 × 15 बराबर 15 किलोमीटर। तो अब इसमें क्या करना है, हमें 15 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है जो 15 किलोमीटर को क्या करेगी बताएगी व्यक्त करेगी। अब ये हमारे मान लो इसमें है 15 किलोमीटर की 15 सेंटीमीटर की लाइन है, इस 15 सेंटीमीटर लाइन के आप चाहो तो 15 ब्लॉक भी कर सकते हैं, आप चाहो तो 3-3 ब्लॉक भी कर सकते हो क्योंकि एक ब्लॉक 5 किलोमीटर को बताएगा तो 3 किलोमीटर का है, 3 ब्लॉक कितने को बताएंगे 15 को, और एक एक करेंगे तो एक ब्लॉक 1 किलोमीटर को बताएगा, 15 ब्लॉक किसको बताएंगे 15 किलोमीटर, वो आपके हिसाब से। मैं यहां पर इसके ब्लॉक होगा 5, प्रत्येक ब्लॉक होगा वो 3 सेंटीमीटर का होगा और 3 किलोमीटर व्यक्त करेगा, तो पहला ब्लॉक कर लिया यहां पर 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 ब्लॉक हम इसका कर लेते हैं, इधर एक ब्लॉक को खाली छोड़ देंगे, इसके बाद करेंगे 0, 3 सेंटीमीटर का एक ब्लॉक है तो 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को बता रहा है, तो 3 सेंटीमीटर का जो ब्लॉक है वो बताएगा किसको 3, ये 6, 9 और 12 किलोमीटर, ये हो गया इधर, एक इधर बच गया मतलब वो 3 किलोमीटर को व्यक्त कर रहा है, तो इधर 3 किलोमीटर बच गया है अपना, लेकिन इधर किलोमीटर नहीं बताना, हमें दे रखा है किलोमीटर, हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 10 किलोमीटर होते हैं तो ये 3 किलोमीटर में कितने हो गए 30 किलोमीटर बताने, ये 3 सेंटीमीटर का है, हम चाहें तो इसके 3 भाग कर देंगे, 1-1 सेंटीमीटर के 10, 20 और 30 हेक्टोमीटर, और इसके ऊपर क्या लिख देंगे अपन आर एम, 1 अनुपात 1,00,000, ये इसका आरम हो गया। आप चाहो तो इसको 2 भागों में बांट सकते हो, इस भाग में क्या करेंगे अपन कलर कर देंगे, इधर वाले भाग में क्या कर देंगे ब्लैक कलर कर देंगे, इधर भी कलर, इधर इसके ऊपर में एक नीचे एक ऊपर, इसमें क्या कर देंगे कलर कर देंगे, ये अपना क्या बन गया सरल स्केल, ठीक है। अब ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको क्या करेंगे इसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है, ठीक है।